अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको 3 से 4 साल की बेबी का गोल योक वाला झबला, जो कि हमारा एक पुराना दुपट्टा है, ये इसके लिए मैंने कुछ चीज़ें ली हैं। इसके लिए मतलब एक कॉलर ली है, छोटी छोटी बो है, एक लैस है। ये मैं आपको इसकी कटिंग और स्टिचिंग दोनों चीज़ें दिखाऊंगी। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये हमने इसके लिए लाइनिंग ली है। ये एक हमारा ये दुपट्टा है, ये चिकन का है, इसका हम ये वाइट चिकन का है। इसका फ्रॉक बहुत खूबसूरत बनेगा, इसलिए हमारे ये यूज में नहीं था। ने कहा इसका एक बेबी फ्रॉक बनाकर आपको दिखाती हूँ। अभी मैं इसकी आपको मार्किंग करके दिखाती हूँ। ये मैंने एक साइड से कट कर लिया है और मैं अब इसको पूरा कट कर कर आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, इसके ये बॉर्डर थे, इस तरह का दुपट्टा था। अभी मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, मैंने ये 20 इंच का मैं इसकी ये लंबाई ले रही हूँ। इसकी ये मैंने 20 इंच ली है और मैंने ये कट का निशान लगा लिया है। ये इसके जितने घूम है मैं इसको भी कट कर कर आपको दिखा देती हूँ। ये इस तरह कर कर ऐसे कट करती हूँ। देखिए फ्रेंड, ये मैंने इसकी लेंथ उतार ली है और इसमें से हम आर्म होल का इस तरीके से निशान लगाएंगे। ये देखें, मैं 2 इंच का आपको दिखा रही हूँ। ये हमने 2 इंच का लिया है और ये सिलाई में जाकर थोड़ा सा कम हो जाएगा। ये देखिए, मैं अभी आपको कट कर कर ये दिखा रही हूँ। और तकरीबन हमने दरमियान में से भी 2 इंच की इसकी गुलियाई की शेप लेनी है, इस तरीके से करनी है। मैं हल्की हल्की इसके हिसाब से आपको देखिए इधर से कर कर दिखा रही हूँ। हल्की हल्की शेप ऐसे लेते जाएंगे, हल्की सी गुलियाई कर देंगे हम इधर से। 3 से 4 साल की बेबी का है और अगर हमें थोड़ा बड़ा छोटा करना होता, तकरीबन आधा इंच 1 इंच हम बढ़ा लेते हैं। और कुछ बच्चों को लॉन्ग फ्रॉक पहनाते हैं, कुछ शॉर्ट पहनाते हैं, और इसमें हम बॉक्स प्लेट भी डाल सकते हैं इस तरीके की, और धागा खींच कर भी डाल सकते हैं। ये देखें, बॉक्स प्लेट इस तरीके की डलेगी और चूने धागा जो बड़ी सिलाई करके लगाते हैं वैसी भी डलेगी। अभी आपको मैं इसकी बॉडी की कटिंग करके दिखा देती हूँ। ये मैंने एक पीस उतार के रख लिया है। ये देखिए, हमारा 14 इंच का है और इसकी लेंथ है 7 इंच की। सिलाई के बाद ये तकरीबन 6 इंच का रह जाएगा। ये मैंने ऐसे लंबी पट्टी ली है और अगर हमारे पास चकोर पीस हो तो हम चकोर पीस से भी बना लेते हैं। और इसमें हमने कॉलर लगानी है। ये देखें, ये पीछे से हमने इसकी स्लिट खोलना, ये हमने थोड़ा फालतू ले लिया, बड़ा ले लिया है पीछे के लिए मोड़ने के लिए। और मैं हाफ आपको योक बता देती हूँ, तकरीबन 7 इंच है, 7 से थोड़ी कम है। सिलाई के बाद तकरीबन ये 6 की रह जाएगी, हम इसे डबल नहीं सियेंगे। और इसकी लेंथ हमने ली है 7 इंच की, सिलाई के बाद ये 6.5 रह जाएगी। अभी मैं आपको इसकी कटिंग कर कर दिखा देती हूँ। ये हमने सबसे पहले इसका हल्का सा गले का निशान हम सिर्फ फ्रंट का बनाएंगे, क्योंकि हमने कॉलर लगाने, हम इसके 2 इंच का निशान लगाते हैं। और इधर से हम लगाएंगे 2.5 इंच पे निशान। ये हमने फ्रंट की बॉडी बनानी है और हमने हल्की सी गुलियाई देनी है, तकरीबन 1.5 इंच की इसकी गुलियाई की शेप के लिए। तो देखिए, मैं आपको सबसे पहले इधर से हमने कट किया, फिर हम इसकी नेक का कटिंग कर लेते हैं और उसके बाद हमने ये निशान लगाया है, गोल शेप देंगे। अगर हमसे कटिंग में थोड़ा बहुत
छोटा बड़ा मसला हो जाता है तो हम बाद में आराम से कर लेते। ये हमारी गोल योग तकरीबन कंप्लीट हो गई है। हम इसी के हिसाब से अपनी लाइनिंग की कटिंग भी कर लेंगे। ये हमने इसकी योग की कटिंग कंप्लीट कर ली है। ये हमने लाइनिंग के लिए भी इसका कपड़ा ये कट कर लिया। इसके साथ ही हम ऐसे ही कटिंग करेंगे और फिर आपको स्टिच करके भी दिखाऊंगी। ये अभी मैं इसकी कटिंग कर आपको दिखा रही हूँ। ये हम इससे 5 इंच का आर्म होल का निशान लगाएंगे। ये हमारी योक में ये मैंने इसको हल्का सा कट लगा लूँगी। इसमें भी ऐसे ही लगाऊंगी, ये देखें। और मैंने ना ये ऊपर इसका ये पीछे का स्लिट वाला निशान है तो मैं यहाँ कट लगा देती हूँ ताकि हमें पट्टी बनाने में भूल ना जाए इधर या इधर, तो इसलिए हमने इधर लगा लिया निशान। हम दोनों पीस को इस तरीके से सियेंगे कि ये हम इसको डबल नहीं सियेंगे, सिंगल ही सियेंगे। ऐसे कर कर इसके नीचे लाइनिंग रख कर हमने ये ऐसे करके लगाना है पीस, और ये हम है ना पूरा सी लेंगे। इस तरीके से ये इधर भी और इधर भी सिलाई करके हमने इसको पलटना नहीं है। ये हमारी कॉलर है, ये हमें बाजार से मिल जाती है मार्केट से आसानी से। ये देखिए हम इसका दरमियान का निशान लगाकर ये इस तरीके से कॉलर लगाएंगे। जिसमें हम कॉलर लगाते हैं हमें उसके पीछे की कटिंग नहीं करनी होती, क्योंकि ये इस तरीके यहाँ से हम पाइपिंग के साथ ऐसे करके लगाते जाएंगे और फिर पाइपिंग लगेगी और ये ऐसे स्टिच हो जाएगा। और ये हमारी जो लैस है हम इस तरीके से लगाकर, हमने ये जो 5 इंच का निशान लगाया है, हम चाहें तो ज़्यादा, अगर हम ये चीज़ ज़रा सी छोटी रखते हैं तो हमारा फ्रॉक बहुत ज़्यादा लूज बनेगा और हम जितनी छोटी रखेंगे उतना फ्रॉक हमारा स्मार्ट बनेगा। तो इसलिए हम ये हिसाब हमें देखना चाहिए कि हमें ज़्यादा लूज बनाना है तो हम थोड़ा सा इधरली साइड कट लगाते हैं, और अगर हमें स्मार्ट सा फ्रॉक बनाना तो हमें और भी करीब कर लेना चाहिए। और इसके कांधे हमें ये इस तरीके से, ये जो हमने कटिंग किया हुआ मैं ये ऊपर को रख कर आपको दिखा देती हूँ। ये हमने इस तरीके से ये पट्टी पे से उतार ली थी, ये इस तरीके से हमारा ये कांधा इसके हिसाब से लेना पड़ता है। अगर हमें थोड़ा बड़ा करना हो तो हम थोड़ा इधरली साइड कर लेंगे और इस तरह हम इसमें प्लेट डालेंगे। अभी मैं आपको स्टिच कर दिखा देती हूँ। और देखिएगा बहुत ही खूबसूरत ये फ्रॉक लगेगा। एक तो वाइट है और फिर इसके ऊपर हम ये छोटे छोटे से कोई फ्लावर कोई चीज़ रखेंगे, ये छोटी छोटी चीज़ें लगाते हैं तो इससे बहुत ही खूबसूरत लगता है। अभी मैं स्टिच कर आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड ये देखिए मैंने सिलाई कंप्लीट कर ली है। ये ऊपर से योक तैयार कर इस पर मैंने ये लैस इधर रख कर इस तरीके से लगाई है, और अभी हमने इस पर प्रेस किया है और दोबारा कर लेंगे। ये हमने इस पे निशान लगाए हुए हैं जो ये इसकी आर्म होल के, तो ये हम इधर दरमियान में इसका प्लेट डाल लेंगे। और ये मैंने कॉलर इस तरीके से रख कर अभी आपको कंप्लीट नहीं करके दिखाई, ये इस तरह हमने एक चकोर पीस में से इस तरह ओरेब निकालते हैं और फिर हम इसमें इस तरीके से सिलाई लगाएंगे और फिर हम अंदर की साइड इसको मोड़ देंगे। देखिए कॉलर लगाने का तरीका भी मैं आपको बता देती हूँ। हम यहाँ बाहर की साइड भी सिलाई लगा सकते हैं, लगाने के बाद फिर हम इसको अंदर इस तरीके से कर देंगे, ये हमारी सिलाई में नीटनेस आ जाएगी। और ये देखें फ्रेंड मैं आपको बताती हूँ, ये अभी हमने कॉलर लगा लिए, पाइपिंग लगाएंगे तो ये हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ये हमने थोड़ी सी लैस इधर बढ़ा के रखी है ताकि हम इधर लगाएंगे तो इस तरह, ये देखें इस तरीके से हम इसका ये स्लिट हमारा तैयार हो जाएगा। बेबी का स्लिट खोलने से बेबी को फ्रॉक सर में गला आसानी के साथ आ जाता है, इसलिए हमें पीछे स्लिट खोलना लाजमी होता है। और फ्रंट से ये देखें हमारा
बेबी योक तैयार हो गई है और हमने इस पे लैस लगाते हुए इस तरीके से हल्के हल्के कट लैस में भी लगाए हैं और इसमें भी सारी हर जगह आपने कट लगाने हैं इसी तरह हमने। और इसमें कॉलर की भी इस पे सिलाई का निशान है, इस पे ही हमने निशान लगाना। ये हमने इसमें नीचे लाइनिंग का कपड़ा लगाया और हमने दोनों में प्लेट दे लिए हाथ की मदद से, धागा खींच के भी दे सकते हैं। और ये हमने डबल इसलिए किया है कि ये विंटर सीजन है, सर्दी का है, इसे हमें नेक के साथ पहनाना है। ये 12 रबीउल है, बच्ची को मिलाद में पहनकर जाना है। इस वजह देखें वाइट फ्रॉक कितना खूबसूरत लगेगा मुकम्मल होने के बाद। ये हम छोटे छोटे इस पे ये बीट्स रख देंगे, ये हमने बो की शक्ल में, चाहे हम ये पिंक रखें चाहे हम इस पे ऑफ वाइट, ये भी हम आपको कंप्लीट कर कर दिखा देते हैं। फ्रेंड अगर कोई अगर आपको बताने में कुछ कमी पेशी हो गई हो तो आप पूछ सकते हैं। ये हमने अंदर लाइनिंग लगाई है इसकी और ये हमने इसको मोड़ देना है, फिर हम कंप्लीट करेंगे। और आप है ना गर्मी का भी सी सकते हैं और मैं भी आपको कंप्लीट कर कर दिखा देती हूँ।